मिस्टर प्रधान, प्रधानमंत्री की बात करते हैं आप, ये विचित्र भूमि है उसकी भी बात करते हैं, तो मुझे एक सवाल आपसे पूछ ही लेना चाहिए यहाँ पर कि हाल फिलहाल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा हमारे नज़र में आई, वो ये है कि आपके उड़ीसा में प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग्स इन द लास्ट 9 or 10 years हैज़ only moved between 75% to 90%, has never dipped beyond 75%, never gone under that number. आपकी तो सरकार भी नहीं है यहाँ पर, पिछले 25 साल से आपकी सरकार नहीं है, होता कैसे? देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ मैं 10 साल से उनकी चॉइस से उनकी मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूँ जी. मैंने मेरे एक चीज उनसे सीखा है, वोट एक अलग दुनिया है, चुनाव एक अलग दिन, एकदम तसल्ली से सारा चीजों को करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, गरीब कल्याण की बात आती है, वो कोई वोट वगैरह की उनके पास कैलकुलेशन नहीं है. हमको तो यहाँ, हम तो दूसरे नंबर की पार्टी है, बड़े पार्टी है. केरला में हमारा कुछ नहीं है जी, तमिलनाडु में हमारा बेस इतना नहीं है. काशी तमिल संगमम को आयोजन करके तमिल संस्कृति और काशी की संपर्क को दुनिया को दिखाने का काम मोदी जी ने किया. उड़ीसा की बात आप कह रहे हो, मैं अगर एक फैक्ट आपके माध्यम से समृद्ध लोगों लोगों के सामने रखूं, 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी. हम एक रीजनल भाषा वाले राज्य हैं, और मेरे को भी कभी कभी लगता था दिल्ली हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा है, दिल्ली हमारे हक नहीं देता है. इसलिए सोसाइटी में एक एंगर भी रहता था, एक एक्सपेक्टेशन भी रहता था. 2004 से 14 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट हेड में उड़ीसा को 3 लाख करोड़ रुपया की एलोकेशन किया था. आप पूछ रहे हो कि मोदी की अप्रूवल रेट 90% क्यों है, उसकी एक राज है. आप भी कहे बात सही है, मोदी जी का सरकार यह नहीं है, यह भी बात सही है, लेकिन मोदी जी ने यहां पिछले 10 साल में 18 लाख करोड़ रुपया दिए हैं. 10 साल में एक सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपया दिया था, मोदी जी ने 18 लाख करोड़ रुपया दिए. That's a huge number. ये कोई वोट की विषय नहीं है. मैंने अभी थोड़ी आपको कहा कि प्रिमिटिव ट्राइब की, आप जानते हैं कि आज उड़ीसा में हम अभी 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 जो लोग आज जो सेशन अंतिम सेशन समाप्त हुआ, इसमें एक उड़ीसा की 4 प्रिमिटिव ट्राइब, इन प्रैक्टिस वो ट्राइब ही थे, लेकिन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको मान्यता ही नहीं था. आजादी के 76 साल हो गया, मोदी जी ने पावड़ी भूया और बोंडा जैसे कम्युनिटी को, मांकड़िया जैसे कम्युनिटी को अभी अभी उन्होंने पीबीटी जी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया. विषय वोट की नहीं है, विषय जिम्मेवारी की, विषय संवेदनशीलता के, विषय गरीब कल्याण की है. इन्होंने कहा था 14 में कि मेरे सरकार देश की गरीबों के प्रति समर्पित रहेगा, महिलाओं के प्रति समर्पित रहेगा, युवाओं के प्रति समर्पित रहेगा, किसानों के प्रति समर्पित रहेगा. ये 4 वर्ग को ध्यान में रखते हुए अगर हम सेवा करेंगे तो सोसाइटी की ये 4 पिलार की ऊपर ही दुनिया खड़ी हो जाएगी. इसलिए हमें वोट टूट अलग बात है, और देखते रहिए वोट में भी ठीक हो जाएगा. जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं.